हाय फैमिली, तो देखिए भाई आज का अपना स्पेशल भाई आ गया है अर्चना एंड सुजाता किचन से बनके। भाई यहाँ पे है दही वड़ा, भाई देखिए एकदम जबरदस्त, और इसकी रेसिपी पूरी बन गई है। और यहाँ पे भाई देखिए एकदम जबरदस्त ग्रीन मसाले में देसी मुर्गियाँ बनी है, तीन तीन देसी मुर्गियाँ है। चलिए, अरे यार एक एक पैर निकल गया मुर्गी का, भाई बहुत ज्यादा गर्म है। ओ रस्सा भी डाल देते हैं भाई। यहाँ पे है अपना ऑरेंज जूस, गिलास भरेगा ये गणेश? नहीं भरेगा भाई, बहुत बड़ा गिलास है। चलो देखते हैं कितना भरता है। चलिए भाई थोड़ा रह गया, कोई बात नहीं। चलिए डिश अपनी रेडी हो गई है, फटाफट शुरू करते हैं भाई आज का प्रोग्राम। भाई एकदम जबरदस्त खुशबू आ रही है, और यहाँ पे है अपना जूस, नया ग्लास ऐड हो गया अपने इसमें। लेग पीस से शुरू करेंगे अपन, चिकन लेग पीस। जबरदस्त भाई, एकदम जबरदस्त। हाँ 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 एकदम जूसी बन गया भाई, और एकदम भाई प्रॉपर पक गया है। एकदम जबरदस्त बन गया, और यहाँ पे है दही वड़ा देखिए। चिकन के साथ दही वड़ा भाई किसने खाया रहेगा तो कमेंट करके बताइए मुझे। बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी बन गया भैया, एकदम जबरदस्त। भाई मुर्गी देखिए कितना बड़ा, ये एक एक केजी के ऊपर मुर्गिया, ये देसी मुर्गिया।
चिकन लेग पीस लास्ट चिकन लेग पीस भाई, एकदम जबरदस्त बनी थी भाई। तीनों मुर्गियों का खात्मा हो गया यहाँ पे, लेकिन भाई इससे हमारा आधा पेट भी नहीं भरा है। चलिए फटाफट हम लोगों ने ख़त्म किया भाई। दही वड़ी अभी आराम से खाऊंगा, पेट बिल्कुल भी नहीं भरा है, आधा ही पेट भरा है बस। चलिए भाई, बहुत ही जबरदस्त बना था, मजा आ गया। दही वड़ा भी बेस्ट।
था, ग्रीन फुल देसी चिकन, तीनों के तीनों जबरदस्त बन गए थे भाई, मजा आ गया। चलिए वीडियो को यहाँ पे करते खत्म। ये सबकी रेसिपी आपको अर्चना एंड सुजाताज किचन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से जल्दी फटाफट रेसिपी देखिए सबकी। चलिए आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा हो और भाई एंजॉय पूरा आया हो आपको, वीडियो देख के मजा आया हो, तो क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन डिश के चैलेंज के वीडियो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डिश के साथ, तब तक के लिए बाय।